हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पसल मेनिया बेतंकुर में। कुछ ही घंटे रह गए हैं आरआरबी पीओपी के एग्जाम के लिए, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या गलतियां आरआरबी पीओ एग्जाम के दौरान और एग्जाम के पहले नहीं करनी है। नंबर वन, कि जिस दिन भी आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम है 5 अगस्त या 6 अगस्त, उसके एक दिन पहले आपको कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। नंबर टू, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो अदर शिफ्ट में और स्टूडेंट्स के क्या अटेम्प्ट रहे हैं उसको देखते हुए कोई भी टारगेट सेट नहीं करना है कि हमको भी इतने अटेम्प्ट बनाकर आने हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में भी अदर शिफ्ट की तरह ही लेवल देखने को मिले। तो जो भी लेवल आपकी शिफ्ट में आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट बनाकर आने हैं। नंबर थर्ड, कि तैयारी के दौरान और मॉक टेस्ट के दौरान जो भी स्ट्रेटजी आपकी रही है सेम स्ट्रेटजी आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। ऐसा नहीं करना है कि लास्ट टाइम में आप एग्जाम में अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दें। देखो दोस्तों, 45 मिनट की जंग है और इस 45 मिनट में शुरुआत के 5 से 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां शुरुआत के 5 से 10 मिनट में ही होती हैं। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, आरआरबी में मैनेजर है। जब उसका आरआरबी पीओ का एग्जाम था, बहुत अच्छी उसकी तैयारी थी, बहुत अच्छे मॉक टेस्ट में उसके स्कोर आने थे, लेकिन वही बात है ना कि जब एग्जाम करीब हो ना तो डर लगता ही है, बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। तो जिस दिन उसका आरआरबी पीओ का एग्जाम था तो सबसे पहले रीजनिंग में सर्कुलर अरेंजमेंट आई, और उस अरेंजमेंट में कुछ खास था नहीं, लेकिन उस अरेंजमेंट ने उसके 5 मिनट बर्बाद कर दिए थे। और जब 45 मिनट में 5 मिनट बर्बाद हो जाए, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो, ऊपर से वो अरेंजमेंट भी नहीं बनी, तो आप समझ सकते हैं कि टेंशन किस लेवल पर पहुंच जाएगी। उसके बाद उसने उस अरेंजमेंट को साइड में रखा, फिर जल्दी जल्दी जो अदर क्वेश्चंस थे उनको अटेम्प्ट किए। जब ठीक ठाक अटेम्प्ट हो गए तो लास्ट में फिर से वो उसी अरेंजमेंट पर आया, क्योंकि उसको भी पता था कि उस अरेंजमेंट में कुछ खास है नहीं है, 1 या 1.5 मिनट की वो अरेंजमेंट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है। जब दोबारा से उसने उस अरेंजमेंट के क्वेश्चन को पढ़ा तो वो शॉक्ड रह गया। एक छोटी सी बेसिक गलती ने उसके 5 मिनट खराब कर दिए थे। उस क्वेश्चन में दिया था कि 9 लोग सर्कल में बैठे हैं, वो बार बार 8 लोग लेकर सर्कुलर अरेंजमेंट बना रहा था। तो इतनी भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है कि ये छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाए। तो इन छोटी सी मिस्टेक को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के दौरान। बाकी अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म का मेमोरी बेस्ड पेपर लगाया है तो आप कमेंट पर जरूर मेंशन करें कि मेमोरी बेस्ड पेपर में आपका कितना स्कोर और परसेंटाइल बना है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।